नमस्ते फ्रेंड, टीआर प्रोडक्शन में आप लोग का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनिल दे और मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं स्पार्क कंपनी का स्नीकर। देख सकते हो बॉक्स मेरे पास आ चुका है और आज इसका रिव्यू करेंगे और इसका प्राइस है 700 रुपया। और ये प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। देख सकते हो बॉक्स मेरे पास आ चुका है और आज देखेंगे इसका क्वालिटी कैसा है, क्योंकि स्पार्क कंपनी का रिव्यू मेरे चैनल पर पहली बार हो रहा है और देखेंगे इसका क्वालिटी, इस कंपनी का क्वालिटी, स्पीकर का क्वालिटी कैसा होता है। और प्राइस तो काफ़ी कम है, बजट के अंदर ही दे रहा है, बट देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं क्वालिटी कैसा है। तो फ्रेंड देख सकते हो यह मेन प्रोडक्ट और दूसरे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, वो वाइट वाइट जैसा दिख रहा होगा, बट सामने से आपको दिखाएंगे इसका क्वालिटी कैसा है, ग्रिप कैसा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हो यह स्पार्क का स्टिकर, स्पार्क कंपनी का स्टिकर मैंने पहली बार मंगवाया है। देख सकते हो यहाँ पर ब्रांडिंग स्पार्क, स्पार्क का लोगो, यहाँ पर भी ब्रांडिंग, यहाँ पर भी ब्रांडिंग। और ये सिंथेटिक लेदर से ही बनाया गया है और काफ़ी सॉफ्ट है, बट क्वालिटी, सोल का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, अच्छा है। सोल का, सोल मीडियम किस्म का सॉफ्ट है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये सोल। बट ये मैंने 10 नंबर मंगवाया है, देख सकते हो 10 नंबर। बस इसमें फिनिशिंग का थोड़ा दिक्कत है, अदरवाइज सब ठीक ठाक है। देख सकते हो यहाँ पर गाम लगा हुआ है, अभी भी यहाँ पर भी है, अदरवाइज ठीक ठाक ही है। सिलाई वगैरह फिनिशिंग ठीक ठाक ही है, देख सकते हो अंदर, देख सकते हो अंदर भी क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है अंदर का क्वालिटी। तो यहाँ पर थोड़ा गम वगैरह लगा हुआ मिलेगा आपको। सोल का नीचे भी आपको ऐसा सोल मिलेगा, देख सकते हो। तो इसमें भी गम है, मेरा हाथ चिपक रहा है, देख सकते हो। और अंदर ऐसे ब्लॉक वाला सोल मिलेगा आपको स्पार्क का। और ये वाला सोल ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, ये वाला सोल। तो सोल अंदर का जो सोल है, ये सोल मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, अभी ये देखने के बाद मुझे तो अच्छा नहीं लगा। हील वगैरह, ये हिली एरिया में, मतलब ये जो हील का एरिया है, यहाँ पर ही ये ब्लॉक बनाया गया है, देख सकते हो ऐसे करके ब्लॉक। और ये स्टिचिंग किया गया है, जो अच्छा बात है, अच्छी बात है। पूरा ऊपर वाला हिस्सा इससे स्टिचिंग है, तो उतरेगा नहीं उतना ज़्यादा, देख सकते हो अच्छे से स्टिचिंग किया गया है। टेस्टिंग तो है, उसके साथ ये स्टिचिंग भी है, तो ये उतरेगा नहीं, यही एक अच्छा बात है, अच्छी बात है ये। तो नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक ठाक है, बट ज़्यादा दिन तक ये पहनने से आपको अनकंफर्टेबल फील होगा नीचे से। तो सोल देख सकते हो, सोल तो अच्छा ही है, सॉफ्ट है। एशियन से अच्छा है, एक कहूंगा मैं। तो चलिए इसे एक बार पहनते हैं और देखते हैं इसका क्वालिटी, मतलब कॉम्फर्टनेस कैसा है। तो यहाँ पर मेड इन इंडिया, फ्रेंड देख सकते हो मैंने स्पार्क का ये स्टिकर पहन के रखा है। थोड़ा डिजाइन में ऑड लग रहा है, बट
कंफर्टेबल है, पेन नहीं हो रहा है, पैर हुआ टोटली रिलैक्स्ड मूड में है, कोई भी पेन नहीं है इसमें। और एंकल लेंथ देख लीजिए, एंकल लेंथ ऐसे दिखेगा और काफी लंबा जैसा शू है। तो डिजाइन में मुझे पसंद नहीं आया पहनने के बाद, काफी लंबा जैसा पैर लग रहा है, देख सकते हो। तो चलिए मैं फाइनल रिव्यू, फाइनल डिसीजन आपको दे देते हैं। तो फ्रेंड आप लोगों ने स्पार्क का ये शू मतलब स्नीकर आप लोगों ने देखा सामने से और मैंने पहन के भी देखा। डिजाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है बट कंफर्टेबल है, इसका सोल भी अच्छा है और मतलब सोल उतना अच्छा नहीं है बट चल जाएगा उस प्राइस पॉइंट में। और इसका जो डिजाइन है, डिजाइन में ही प्रॉब्लम है। ये शू पहन के आपको लगेगा बहुत ज़्यादा लंबा शू है, ठीक है। तो उससे मुझे काफ़ी दिक्कत हो रहा था, मेरा मतलब मेरा फोकस शू में बार बार जा रहा था क्योंकि ये काफ़ी हद तक लंबा दिखेगा आपको सामने से, काफ़ी लंबा दिखेगा। तो यही एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज फिनिशिंग थोड़ा गड़बड़ है, इस पर फिनिशिंग में दिक्कत है। और सोल में आपको दिखाया मैंने पहले, ये ब्लॉक वाला सोल है तो कुछ ही दिन बाद वो फट जाएगा अंदर से और नीचे से पेन शुरू हो जाएगा, मतलब हील एरिया में, इस एरिया में पेन होगा कुछ दिन बाद, अभी तो नहीं। इसका ग्रिप भी अच्छा है और कुछ इसमें नहीं है बोलने वाला, आप ले सकते हो 80% आप ले सकते हो, 20% तो हर कोई शू में ही होता है डिफेक्ट, ये भी वैसा ही है, 100% नहीं है, 100% लेने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप बाय भी कर सकते हो, देख भी सकते। तो इसका जो फीचर्स मैंने बता दिया, शू अच्छा है, जिसको पसंद आता है लंबा शू, यही प्रॉब्लम है एक, अदरवाइज ठीक ठाक ही है और कुछ इसमें नहीं है बोलने लायक। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आप लोग को आंसर दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, मैं ऐसे ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो बनाता रहता हूँ। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आप लोग को आंसर दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जय हिंद जय भारत।